रुके ना देख, रुक रुक के ना देख, रुक रुक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। तो 40 दिन का संपूर्ण लॉकडाउन अब खत्म हो चुका है, उसके बाद अब लॉकडाउन पार्ट 3 शुरू हो चुका है। आज से लॉकडाउन का तीसरा चरण चालू हो चुका है, लेकिन ये लॉकडाउन पिछले दोनों लॉकडाउन से काफी अलग है। आज से 17 मई तक चलने वाला लॉकडाउन संपूर्ण बंदी नहीं है, बल्कि इसमें कई गतिविधियों की इजाजत मिली है। आपको सुबह कई शहरों की तस्वीरें दिखाते हैं, अंदाजा लग जाएगा कि इस बार का लॉकडाउन कैसे अलग है। इस बार कुछ शर्तों के साथ कई गतिविधियों की इजाजत दी गई है। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक बाहर निकलने की इजाजत मिली है, जबकि 40 दिन बाद पहली बार शराब की दुकानों को भी सोशल डिस्टेंसिंग की शर्तों के साथ खोलने की अनुमति मिली है। सुबह शराब दुकानें खुलते ही कई शहरों में लोगों की लंबी कतार लग गई। हुबली और देहरादून से ऐसी तस्वीरें सामने आई। तो बात लॉकडाउन की हो रही है, अलग अलग शहर में मौजूद अपने रिपोर्टर्स से ताजा हाल भी हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कि इस बार का लॉकडाउन पहले से कैसे अलग है। चालीस दिन के लॉकडाउन के बाद 14 दिन का तीसरा लॉकडाउन आज से शुरू हो रहा है। कोरोना को हराने के लिए सरकार ने तीसरी बार ताला लगाया है, लेकिन इस बार कुछ ढील के साथ, लेकिन ये ढील हर जोन के हिसाब से अलग अलग होगी। देश के 733 जिलों में 130 जिले रेड जोन में हैं, ऑरेंज जोन में 244 जिले, जबकि ग्रीन जोन में 319 जिले हैं। बड़े शहरों की बात करें तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु और अहमदाबाद भी रेड जोन में हैं। राज्यवार देखें तो महाराष्ट्र के 19 जिले रेड जोन में हैं, जबकि यूपी के 14, तमिलनाडु के 12, दिल्ली के सभी 11, पश्चिम बंगाल में 10, गुजरात और मध्य प्रदेश में 9-9 और राजस्थान के 8 जिले रेड जोन में हैं। आइए अब जान लेते हैं कि रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन कैसे निर्धारित किए जाते हैं। जिन जिलों में कोरोना के नए मरीज मिल रहे हैं उन्हें रेड जोन माना गया है। जिन जिलों में 14 दिन तक कोई नया कोरोना केस नहीं मिला उसे ऑरेंज जोन माना गया है। जिन जिलों में 21 दिन से एक भी मामला सामने नहीं आया है उसे ग्रीन जोन माना गया है। लॉकडाउन 3 में सरकार ने रेड जोन में भी कई रियायतें दी हैं। शादी ब्याह के लिए 50 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं होंगे और सामाजिक दूरी का पालन करेंगे। अंतिम संस्कार में 20 से ज्यादा लोग नहीं जाएंगे। शराब, पान, गुटखा और तंबाकू की दुकानें खुलेंगी, लेकिन दुकान पर एक बार में 5 से ज्यादा लोग नहीं होंगे और वो भी 2 गज की दूरी बनाकर खड़े होंगे। सार्वजनिक स्थलों पर पान, गुटखा, तंबाकू वगैरह चबाने की इजाजत नहीं होगी। ग्रीन जोन में बिजनेस से जुड़ी चीजें शुरू हो जाएंगी, बसें भी चलेंगी, लेकिन 50% से ज्यादा सवारी नहीं ले सकते हैं। बस डेपो में कर्मचारियों की संख्या 50% से ज्यादा नहीं होगी। सैलून समेत जरूरी सेवाओं की बहाली की छूट। होम डिलीवरी करने वाली कंपनियां खुल सकेंगी। सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आदि बंद रहेंगे। वहीं ऑरेंज जोन में बसें तो नहीं चलेंगी, लेकिन कैब चलाने की इजाजत होगी, लेकिन एक कैब में एक ही पैसेंजर जा सकता है। ऑरेंज जोन में बाजार खुलेंगे और औद्योगिक कारोबार शुरू हो जाएंगे, लेकिन कर्मचारियों की सीमा 50% तक ही रहेगी। इस जोन में लोग कैब बुक करा के यात्रा कर सकेंगे। कैब में ड्राइवर के साथ 2 पैसेंजर ही बैठ सकेंगे। सिनेमा, धार्मिक स्थल और समारोह पर पाबंदी रहेगी। इसके अलावा जो छात्र और मजदूर लॉकडाउन में दूसरे राज्यों में फंसे हैं उन्हें लाने ले जाने के लिए बसों और ट्रेन को चलाने की इजाजत दी गई है। आज तक ब्यूरो। दिल्ली के सभी 11 जिले रेड जोन में हैं, लेकिन लॉकडाउन पार्ट 3 के पहले दिन कई रियायतें भी दिल्ली में दी गई हैं। आज से सभी सरकारी दफ्तर खुले रहेंगे, जो आवश्यक सेवाएं हैं उन्हें 100% खोला जा रहा है। इसके अलावा निजी दफ्तर को भी 33% स्टाफ के साथ खोला जा रहा है। और ज्यादा जानकारी के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए हैं। जितेंद्र, सबसे बड़ा सवाल इस वक्त ये है कि जिस तरीके से अब लॉकडाउन पार्ट 3 में कुछ रियायतें दी गई हैं, इन रियायतों को सुनिश्चित करने के लिए किस तरह से पेट्रोलिंग की जाएगी, किस तरह से नियमों का पालन किया जाए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए, मास्क और ग्लव्स लगाए जाएं, 33% ही वहां पर दफ्तरों में लोग पहुंचे, इन सब चीजों को कैसे सुनिश्चित किया जाएगा, क्या पर्याप्त कदम उठाए जाएंगे?
ये कहा गया है कि लॉकडाउन पार्ट थ्री में कुछ जगहों पर छूट दी जाएगी, रियायत दी जाएगी, लेकिन जहां तक दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के 11 जो जिले हैं वो पूरी तरीके से रेड जोन है। तो इन इलाकों को लेकर के जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बताया था कि वो लोग जो कि एसेंशियल सर्विसेज से जुड़े हुए हैं उन ऑफिसेज में जा रहे हैं तो उनको 100% जाना है। इसके अलावा जो लोग प्राइवेट ऑफिसेज में जा रहे हैं उनको 33% जाना है। लेकिन आज की स्थिति में ITO पर इस वक्त खड़ा हूँ, आपको दिखाना चाहेंगे कि लॉकडाउन का पालन करते हुए लोग यहाँ पर रेड जोन में दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। ITO की आप सिचुएशन इस वक्त देख रही हैं कि किस तरीके से लोग ज्यादा संख्या में यहाँ पर अपने घरों से निकल आए हैं। आलम यहाँ पर यह है कि ITO का जो पूरा पुल है भारी लंबा जाम लगा हुआ है। हालांकि पुलिस की तरफ से यहाँ पर पूरा चौकसी बरती जा रही है, चेकिंग की जा रही है, लेकिन पुलिस का यह कहना है कि आम दिनों में जो कि लॉकडाउन पार्ट वन और पार्ट टू में जो लोग निकलते थे तो उतनी संख्या में लोग यहाँ पर नहीं निकले हुए हैं, लेकिन आज अभी यहाँ पर जो संख्या है वो काफ़ी ज़्यादा है और लोगों की आप देख रहे हैं पूरी कतार यहाँ पर लंबी लगी हुई है। हालांकि पुलिस सबसे चेकिंग भी कर रही है, जो लोग गाड़ियों में दो दो की संख्या में पहुँच रहे हैं उनसे पूछताछ भी कर रही है कि आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, मास्क लगा करके क्यों नहीं आए हैं। तो ऐसे कदम यहाँ पर उठाए जा रहे हैं और दिल्ली में जिस तरीके से छूट दी गई है अलग अलग जगहों पर उसको लेकर के ये लोग पालन कराते हुए यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन ग्रीन जोन के इलाके में दिल्ली का कोई भी एरिया नहीं आता है, ना भी ऑरेंज जोन का कोई इलाका दिल्ली में आता है, रेड जोन का पूरा इलाका है। ऐसे में राज्य सरकार की तरफ से कुछ रियायतें दी गई हैं, कुछ प्राइवेट कर्मचारी जो हैं वो अपनी कंपनियों के लिए निकल रहे हैं तो उनके कार्ड देख करके उनको जाने दिया जा रहा है। अभिषेक आनंद नोएडा से जुड़ गए हैं। अभिषेक, नोएडा में हमने बीते दो लॉकडाउन में ये देखा, लॉकडाउन वन लॉकडाउन टू में, कि हॉटस्पॉट्स कम भी हुए, हॉटस्पॉट्स बढ़े भी, कुछ ऐसे जोन्स थे जो ऑरेंज से ग्रीन में आ गए, कुछ थे जो रेड हो गए। ऐसे में अब एक अनिश्चितता का दौर है, नोएडा में भी वही देखा जा रहा है, कैसे है आगे की तैयारी? जी बिल्कुल नेहा, हॉटस्पॉट्स बढ़े भी हैं, कम भी हुए हैं, मरीजों के ठीक होने की संख्या नोएडा में पूरे देश के मुकाबले सबसे ज़्यादा है। और RWA के कुछ लोग हैं हमारे साथ जो यहाँ पर बताएंगे। क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम मनमोहन मेहरा है। मेहरा साहब, क्या चल रहा है, कितनी दुकानें खुली हैं और क्या मेड्स और कार क्लीनर इस तरह की एसेंशियल चीज़ें जो अभी तक अलाउड नहीं थी, क्या अलाउड हैं अब? कार क्लीनर तो अभी भी अलाउड नहीं है, मेड्स एसेंशियल सर्विसेज में जहां मेडिकल ग्राउंड है और जहां एल्डरली लोग हैं उनको मेड सर्विसेज सुविधा अभी भी अवेलेबल है। उनका प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जा रहा है, वो कहां से आ रहे हैं, उनका टेम्परेचर लिया जा रहा है डेली बेसिस पे, और बाकी जो एसेंशियल सर्विसेज है मिल्क और ग्रोसरी की डिलीवरी है वो लॉबीज तक ही अलाउड करी जा रही है। सैलून और बार्बर जो हैं वो खुले हैं क्या? ये अभी तक तो नहीं खुले हैं, हम लोग भी गाइडलाइंस का इंतजार कर रहे हैं कि ये ग्रीन जोन में आए या फिर स्पेसिफिकली ये सर्विसेज यहाँ ओपन होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कल तक अभी तक ये नहीं खुले हैं, अब खुलने का इंतजार कर रहे हैं हम लोग। मतलब स्थिति जो पहले थी वैसी ही है, अभी तक आपको क्लियरिटी नहीं है कि क्या मेड्स को आप आने देंगे, नॉर्मली बार्बर्स की शॉप खुलेंगी, सलून्स खुलेंगे, इसकी अभी क्लियरिटी नहीं है? हमने लोगों के सहयोग से जितनी मिनिमम जरूरत थी मेड्स की वो तो हमने कवर कर रखी है, हम इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि ये ग्रीन जोन में आए या स्पेसिफिक गाइडलाइंस आए कि मेड एज यूजुअल घरों में जा सकती हैं, तो हम वो भी फिर यहाँ लोगों को कम्युनिकेट करेंगे। तो नेहा, कंफ्यूजन है यहाँ पर इस वक्त, जो चीज़ें पहले थी नोएडा में वही इस वक्त हैं, सड़कें खाली हैं, पीछे बैरिकेड्स हैं, सारे जो रास्ते हैं जो गाजियाबाद से सटे हुए जो दिल्ली का जो रास्ता है वो सब कुछ ब्लॉक्ड है। जो पहले स्थिति थी लॉकडाउन पॉइंट 2.0 की वही स्थिति अभी भी है, सिर्फ एसेंशियल सर्विसेज की दुकानें अभी खुली हैं। लौटेंगे आपके पास। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता से लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हैं। कुमार, लखनऊ में क्या स्थिति है, ये जो तीसरा फेज है इससे कैसे आगे देखा जा रहा है, क्योंकि कई सारी चीजों में छूट दी गई है, कौन से ऐसे वहां पर जिले हैं, कौन से ऐसे जोन हैं जिनका खास ध्यान रखा जा रहा है? देखिए नेहा, पूरे देश की तरह यहाँ भी रेड जोन में कोई ज्यादा छूट नहीं मिली है। हम लखनऊ में हैं, लखनऊ रेड जोन में आता है, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन में जरूर छूट मिली है। ग्रीन जोन में पूरे देश की तरह कैब का आना जाना, बसों का चलना, वहां पर दूसरी इकोनॉमिक एक्टिविटी का चालू होना शुरू हो चुका है, लेकिन लखनऊ रेड जोन में है। पहले तो आपको दिखा दें लखनऊ की तस्वीर, अन्य दिनों की तुलना में आज ज्यादा गाड़ियां दिखाई दे रही हैं, ज्यादा भीड़ भाड़ दिखाई दे रही है,
लोग निकल रहे हैं ये भी दिखाई दे रहा है, लेकिन निश्चित तौर पर सरकार का जो गाइडलाइन है वो लोगों को फॉलो करना है। उत्तर प्रदेश में शराब की दुकानें खोलने के निर्देश दे दिए गए हैं, ये तीनों जोन में खुलेंगी, लेकिन रेड जोन जैसा कि लखनऊ है, लखनऊ में शराब की दुकानों को खोलने का आखिरी फैसला डीएम पर होगा। तमाम जो रेड जोन है वहाँ की वही स्थिति होगी, सभी सरकारी दफ्तर खोल दिए गए हैं, 33% और 50% उनके अधिकारियों के और कर्मचारियों के साथ खुलेंगे। जो शराब की दुकानों के अलावा गुटखा पान ये तमाम चीज़ें प्रतिबंधित रहेंगी सभी जोन में, ऐसा बताया गया है। जो हॉटस्पॉट है वो पूरी तरीके से पहले की तरह ही सील होंगे, लेकिन निश्चित तौर पर लोगों को एक राहत जरूर होगी कि कैब का इस्तेमाल लोग कर सकेंगे। रेड जोन अभी भी पहले की तरह ही लगभग होगा, शराब की दुकानें तमाम जोनों में खुलने जा रही हैं। ये 10 बजे के बाद हम आपको दिखा भी पाएंगे कि किन इलाकों की क्या क्या स्थिति है, लेकिन निश्चित तौर से पूरे राज्य में कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एक्टिविटी तेज हो इसकी कोशिश की जा रही है। नेहा, ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। इस बीच लॉकडाउन 3 का आज पहला दिन है, हम आपको लगातार अलग अलग शहरों की रिपोर्ट दिखा रहे हैं, अपने संवाददाताओं के पास भी ले चल रहे हैं ताकि वहां की ताजा तस्वीर आप देख सकें। आइए अब आपको दिखाते हैं दिल्ली के कृष्णा नगर की एक तस्वीर, हमारे संवाददाता सुशांत मेहरा वहां से ये रिपोर्ट दे रहे हैं। लॉकडाउन 3 की शुरुआत के साथ ही दिल्ली के तमाम वाइन शॉप पर अच्छी खासी देखने को मिली है। लॉकडाउन खुलने और कई जगह रियायतें जो है वो मिल रही है, आप देख सकते हैं कि कृष्णा नगर में इस वक्त मौजूद है। तकरीबन अगर माना जाए तो 1 से 2 किलोमीटर का लंबा क्राउड जो है वो यहाँ पर लग गया है। क्या पुलिस क्या जवान हर कोई यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर पालन जो है वो यहाँ पर करके जो है वो यहाँ पर खड़े हुए हैं इस इंतजार में कि कब जाकर के वाइन शॉप जो है वो खुले और उसके बाद यहाँ पर जो है वो लोग वाइन जो है वो खरीद सके। ऐसे में आप देख सकते हैं कि कुछ हद तक सोशल डिस्टेंसिंग नजर आती है, उसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग किस तरीके से खुशियाँ जो है वो यहाँ पर उठती हुई नजर आ रही है। कोई भी दिल्ली पुलिस का जवान यहाँ पर तैनात नहीं है, कोई इसके अलावा ना ही सिविल डिफेंस को, सुबह का वक्त है और वाइन शॉप तकरीबन 8-10 बजे के आसपास खुल रहा है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि कई किलोमीटर लंबी लाइनें जो है वो सुबह के वक्त जो है यहाँ पर लग रही नजर आ रही है। जैसे ही आज तक का यहाँ पर कैमरा खुला है तो आप देख सकते हैं कि लोग जो है तो 40 दिन के बाद पहली बार शराब की दुकानें खोली गई हैं, सुबह से शराब की दुकानों पर लंबी कतार देखी जा रही है। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे हुबली, रायपुर और देहरादून की। ये हुबली की तस्वीर है, देखिए यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है। हालांकि ये भी गौरतलब है कि यहाँ पर सुबह से ही लंबी कतार शराब की दुकान के बाहर लग चुकी है। पिछले 2 जो लॉकडाउन थे उसमें शराब की सेल पर पूर्णतः पाबंदी थी, लेकिन अब सशर्त इसे खोल दिया गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए तभी ये दुकानें खुल सकेंगी। और हुबली और रायपुर दोनों जगह पर देखिए कि वहां पर लोगों के बीच कतार में डिस्टेंस यानी कि जो दूरी बनाई जानी थी वो दिखाई दे रही है। जोन के हिसाब से ये छूट दी गई है, जो ऑरेंज और ग्रीन जोन है वहां पर ही ये दुकानें खोली जा सकती हैं। रेड जोन में अभी भी पाबंदी लागू है, यहां पर शराब की दुकान नहीं खुल सकेगी। सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक ये परमिशन दी गई है और क्योंकि एक बड़ी संख्या में लोग शराब की दुकानों के बाहर जमा ना हो जाएं इसको लेकर पूरी तरीके से सरकार सचेत है। जनर जीवन बंद तो अब आपको गोवा लिए चलेंगे, वहां की एक तस्वीर दिखा देते हैं क्योंकि गोवा में सलों भी खुल गए हैं। अभी सोशल डिस्टेंस भी मेंटेनेंस करेगा आदमी का है इसमें। आपको क्या है, कैसे लगता है कि गोवा एज अ ग्रीन जोन हो गया? अब अच्छा लगा सर, थोड़ा सा हम लोग कार्यालय के लिए अच्छा हुआ ना, हम इतना इनसे कुछ कमाई नहीं, कुछ नहीं, घर पे बैठ कर सो रहा है। फिर घर पे बैठा तो कस्टमर भी नहीं आएगा, मगर सर अब किधर जाके करेगा, वैसा काम नहीं कुछ था, कुछ नहीं था। आपका नाम? अशोक बोला लग रहा है, बट अच्छा लगता लग रहा है, फिर भी डर भी लगता है कहीं वापस शुरू ना हो जाए। सोशल डिस्टेंस करके काम करना। कितना दिन से आपने हेयर कट नहीं किया? जब से तब से जनता कर्फ्यू के बाद से ऐसे था।
ओके वेट कर रहे थे ग्रीन जोन, हाँ ग्रीन जोन कब होएगा कब ओपन करेगा उसको हम फोन करते रहते थे तो उसने बोला कि हाँ चालू हुआ तो आए हम लोग। आपका नाम? राजेंद्र साहू। कितना इम्पोर्टेंट है आज से? हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि 2.5 महीना खाली हम लोग बेकार बैठ रहा था, लेकिन अभी अच्छा लग रहा है दुकान खोल के हमको, ये अच्छा लग रहा है। आपको घर पे बैठा था लोग बहुत फोन सताता, दिन में 250-60 लोग ऐसा सताता था, लेकिन क्या करो किधर जाने के लिए मुश्किल होता था, मुंह बंद करके कोई लोग आता था इससे करके, इसलिए हम लोग कैसे आप अभी हम लोग डिस्टेंस करके रखेगा ना 1-1 मीटर से, कपड़ा चेंज कर, कपड़ा चेंज करेगा टिश्यू पेपर से ऐसा। आपका नाम? मेरा नाम संतोष शेखर। वो हम लोग क्यों 2.5 महीने से अभी पूरा बंदी था, सब बाल बढ़ गए हैं और कोई चारा नहीं था, दूसरा ऑप्शन ही नहीं था उसके लिए, तो आज से सीएम साहब ने ओपन करके पब्लिक को बहुत अच्छा किया है, तो ऐसा ग्रीन जोन बना के भी तो बहुत अच्छा लग रहा है। आज पहले सुबह में ही जल्दी आ गया हूँ मैं, क्योंकि बाद में भीड़ न हो जाए। ठीक है, फिर भी क्यों लगाया, लेकिन अभी इंतजार कर रहा हूँ, सोशल डिस्टेंसिंग भी बहुत रखा है। कितना दिन? तो ये तो आपने गोवा का हाल देखा, गोवा ग्रीन जोन में है इसलिए वहां पर सैलून खोल दिए गए हैं, लेकिन अब महाराष्ट्र का रुख करेंगे क्योंकि लगातार महाराष्ट्र मामले बढ़ते जा रहे हैं, मुंबई में भी लगातार मरीजों की तादाद बढ़ रही है। कमलेश सुतार हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। कमलेश, जिस तरीके से महाराष्ट्र में लगातार मामले बढ़ रहे हैं, रेड जोन के ज्यादातर जिले हैं, ऐसे में आगे की क्या तैयारी है, किस तरीके से वहां पर गतिविधियों में छूट दी जाएगी या फिर आने वाला वक्त और ज्यादा मुश्किल होने वाला मुंबई वासियों के लिए? नेहा, रविवार को महाराष्ट्र सरकार ने कुछ नई रियायतों की घोषणा कर दी, जिसके मुताबिक रेड जोन में भी अब दुकानें खोली जा सकती है, ऐसा एक नया आदेश राज्य सरकार ने निकाला है। अब इन गाइडलाइंस के जरिए रेड जोन है यानी रेड जोन में भी जो नॉन कंटेन्ड एरिया है वहां पर दुकानों को खुलने में छूट रहेगी। अब किस तरह से ये छूट रहेगी, जो नॉन कंटेनमेंट एरिया रहेंगे मुंबई पुणे जैसे इलाकों में जो रेड जोन में आते हैं, यहां पर नॉन एसेंशियल कमोडिटीज यानी फल सब्जी मेडिकल स्टोर्स इनके अलावा जो नॉन एसेंशियल है, चाहे कपड़े की दुकानें हो, इलेक्ट्रिक की दुकानें हो, मोबाइल रिपेयर शॉप से या बाकी सब दुकानें हो, इनको खुले रखने के लिए छूट दी गई है। एक लेन में 5 से ज्यादा दुकानें खुली नहीं रह सकती, लेकिन ये इसमें निर्णय लिया गया जिसमें शराब की दुकानें भी शामिल है, शराब की दुकानें भी खुली रह सकती है, और सबसे अहम जो इसके लिए एक शर्त रखी गई है सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर पालन करना होगा। लेकिन जैसे ही इन रियायतों की घोषणा कल महाराष्ट्र सरकार ने कर दी है, मैं आपको बता दूं यहाँ इस वक्त मैं दादर टीटी इलाके में खड़ा हूँ और जो रोड पर हमको आवाजाही गाड़ियों की दिख रही है वो पिछले कुछ दिनों से ज्यादा है, और अगर माना जाए तो रिमार्केबल इसे हम कह सकते हैं, लोग यहाँ पर ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। और मेरे पीछे ये बस स्टॉप है दादर टीटी का, जहाँ से लोग आप देख सकते हैं किस तरह से भीड़ यहाँ पर लोगों की जमा है। सोशल डिस्टेंसिंग अगर की बात की जाए तो शायद ही यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग होता हुआ दिखाई दे रहा है। सब लोग आमतौर पर जो एसेंशियल सर्विसेज के लिए काम करते हैं उनके लिए बसेस सुविधा यहाँ पर दी जाती है, लेकिन उसके अलावा भी लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, और पूरे यहाँ पर 3-4 बस स्टॉप्स अगर हम देखें तो तीनों ही बस स्टॉप्स पर यहाँ लोगों की भीड़ है। तकरीबन 100-150 लोग इस वक्त यहाँ पर होंगे और शायद ही यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का यहाँ पर पालन किया जा रहा है। तो जिस तरह से रियायतें दी गई है, छूट दी गई है लोगों को, शायद उसका कहीं ना कहीं गलत इस्तेमाल ना हो, इसके चलते और लोगों की दिक्कतें ना बढ़े। मुंबई में केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, थमने का नाम नहीं ले रहा, मुंबई में सबसे ज्यादा इस वक्त केसेस है, महाराष्ट्र सबसे ज्यादा बाधित है और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केसेस मुंबई में इस वक्त है। तो अगर इस तरह की रियायतों का इस्तेमाल लोगों ने किया और इस तरह से अगर लोगों ने आज्ञा का पालन नहीं किया, जिस तरह के सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म का पालन नहीं किया, तो शायद मुंबई वासियों को इस छूट के चलते और भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। नया जी कमलेश, जिस तरह से आप जानकारी दे रहे हैं, यही चिंता की बात है कि आखिरकार किस तरीके से नियम और शर्तों के साथ इस लॉकडाउन का पालन कराया जाएगा, क्योंकि रियायतें तो दे दी गई हैं, लेकिन इन रियायतों को किस तरीके से यहां के सिटीजन्स लेते हैं वो देखना यहां पर बेहद जरूरी होगा। हालांकि प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने का सिलसिला जारी है, गुजरात और महाराष्ट्र के लिए स्पेशल ट्रेनें यूपी से रवाना हुई, हालांकि मजदूरों से रेल किराए का पैसा वसूलने को लेकर विवाद शुरू हो गया।
प्रवासी मजदूरों का अपने अपने शहरों में लौटना जारी है। ये तस्वीर नागपुर की है। 977 मजदूरों को लेकर ट्रेन कल लखनऊ के लिए रवाना हुई। इससे पहले चंद्रपुर जिले के अलग अलग शहरों में फंसे 307 मजदूरों को बस से नागपुर रेलवे स्टेशन छोड़ा गया। अधिकारियों ने इन्हें ताली बजाकर रवाना किया। इधर मजदूरों को लेकर ट्रेनों का यूपी पहुंचना जारी है। अहमदाबाद से मजदूरों को लेकर कल एक स्पेशल ट्रेन आगरा पहुंची। उधर एक स्पेशल ट्रेन साबरमती से मजदूरों को लेकर कानपुर पहुंची। साबरमती से चली है और आगरा कैंट तक आने वाली है और आ गई है और इसमें करीब करीब 1200 पैसेंजर हैं जो कि हर वर्ग से हैं, श्रमिक हैं, स्टूडेंट्स हैं जो कि अपने घर से दूर हो गए थे, उनको लाया गया है और इनको फिर सुरक्षित भेजा जा रहा है। जिन मजदूरों को ट्रेन मिल गई वो तो खुश हैं, लेकिन जिन्हें कोई साधन नहीं मिल रहा उनके लिए परेशानी बनी हुई है। मुंबई में इस मजदूर का फॉर्म खारिज हो गया तो वो साइकिल से ही यूपी के लिए निकल पड़ा। सर एक ही जगह रहते हैं, हाँ। रहने का दिक्कत हो रहा, खाने पीने हर चीज की तकलीफ होंगे। तो साइकिल से चले जाएंगे आप? हाँ। कितना किलोमीटर है लगभग यहाँ से यूपी? हमारा 1600 किलोमीटर। 1600 किलोमीटर उतना दूर साइकिल से जाएंगे? उधर दिल्ली में प्रवासी मजदूरों के लिए बनाए गए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन काउंटर पर हंगामे जैसी स्थिति रही। इस बीच मजदूरों से ट्रेन किराया वसूली को लेकर राजनीतिक विवाद शुरू हो गया। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने केंद्र सरकार से प्रवासी मजदूरों से टिकट का पैसा ना लेने की अपील की। उधर महाराष्ट्र के मंत्री नितिन राउत ने उद्धव ठाकरे को चिट्ठी भेजकर अपील की है कि राज्यों से जा रहे मजदूरों का खर्च सरकार वहन करे। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने भी ट्वीट कर इसे लेकर सरकार पर हमला बोला है। ठीक है कि विदेशों में फंसे भारतीयों को लाने में केंद्र ने पैसा दिया, लेकिन भारत के भीतर ही हमारे भूखे और दयनीय कामगारों की वापसी पर सरकार क्यों नहीं खर्च कर रही? उनसे पैसा लेना आपराधिक है। आज तक ब्यूरो। चलिए अब आपको कोरोना से जुड़े कुछ आंकड़े दिखा देते हैं। किस तरीके से लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन ठीक होने वालों का भी आंकड़ा बढ़ रहा है। कुल मामले 42,533, 11,700 मरीज अब तक कुल ठीक हुए हैं और 1,373 मौतें हुई हैं। लेकिन कोरोना काल में किस तरीके से लोग आगे आ रहे हैं, मदद कर रहे हैं, ऐसे में अभिनेता भी पीछे नहीं है। अभिनेता सलमान खान की बात कर लें तो उन्होंने जरूरतमंदों की मदद के लिए पहल की है। सलमान खान ने ट्रैक्टर और बैलगाड़ियों के जरिए जरूरतमंदों तक खाना पहुंचाने का काम किया है। तस्वीरें आपके सामने, सिर्फ सलमान ही नहीं, उनके साथ यहाँ पर उनके परिवार के लोग, उनके दोस्त भी मौजूद हैं। इस नेक काम में सलमान खान का वो साथ दे रहे हैं। सबने चेन बनाकर राशन और सामान ट्रैक्टर और बैलगाड़ियों में लोड किया और उसे रवाना किया। धन्यवाद। इस वक्त सलमान मुंबई के ही नज़दीक अपने फार्म हाउस पर हैं, वहाँ पर ये काम किया जा रहा है। वहाँ पर सलमान पहले भी इसी तरीके से काफ़ी राशन दान कर चुके हैं। एक बार फिर से उन्होंने ये पहल की है और साथ दिया है उनके परिवार और दोस्तों ने चेन बनाकर यहाँ पर ये सामान लोड करते हुए और उसके बाद ये अलग अलग जगहों पर पहुँचाया जाएगा। और अब बात करेंगे शहीद कर्नल आशुतोष की, जिनको आज अंतिम विदाई दी जाएगी। देश के लिए जान देने वाले इस शूरवीर की यह विदाई जयपुर में होगी। 21 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर के लिए यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी उनके परिवार को 50 लाख का मुआवजा और सरकारी नौकरी देने का ऐलान कर चुके हैं।
हंदवाड़ा में देश की आन बान और शान की रक्षा के लिए सेना के 5 शूरवीर बलिदान हो गए, लेकिन जाते जाते 2 विदेशी आतंकियों समेत लश्करे तैयबा के कश्मीर चीफ हैदर का सफाया कर गए। जाबाजों ने आतंकियों के ठिकाने को भी तबाह कर दिया। देश नम आंखों से इन वीर सपूतों को अंतिम विदाई देगा। इस ऑपरेशन की अगुवाई करने वाले 21 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल आशुतोष शर्मा को अंतिम विदाई जयपुर में दी जाएगी, जहां उनका परिवार रहता है। हालांकि कर्नल आशुतोष शर्मा प्रयागराज के रहने वाले थे। यूपी सरकार ने शहीद कर्नल आशुतोष शर्मा के परिवार को 50 लाख और घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। इसके अलावा योगी सरकार ने उनके गांव में गौरव द्वार बनाए जाने का भी ऐलान किया है। सेना बीते 6 दिनों से हंदवाड़ा और उसके आसपास के इलाके में लश्कर के खूंखार आतंकवादियों की तलाश कर रही थी। 28 अप्रैल को राजवाड़ा के जंगलों में सुरक्षा बलों को आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली। सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ और 1 मई को दिन में 3 बजे मुठभेड़ शुरू हुई। तलाशी के दौरान एक बिल्डिंग में छिपे आतंकवादियों ने सुरक्षा बलों पर घात लगाकर हमला किया। इस हमले में पंचकुला के मेजर अनुज सूद भी शहीद हो गए। पंजाब के मानसा के रहने वाले नायक राजेश कुमार ने भी देश की रक्षा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। अल्मोड़ा के बहादुर लांस नायक दिनेश सिंह भी इस एनकाउंटर में शामिल थे। इस घर जाना था, लेकिन लॉकडाउन के कारण वो कश्मीर में ही रुक गए। वो अब आएंगे, लेकिन तिरंगे से लिपटे हुए, फिर कभी न जाने के लिए। एनकाउंटर में जम्मू कश्मीर के सब इंस्पेक्टर शकील काजी भी वीरगति को प्राप्त हुए। वो सीमा से सटे कुपवाड़ा के ट्राड गांव के रहने वाले थे। गांव में अपने वीर सपूत को आखिरी विदाई देने का इंतजार है। वतन पर हंसते हंसते मर मिटने वाले इन नौजवानों का बलिदान खाली नहीं जाएगा। आतंकियों को इन्होंने बता दिया है कि अगर उन्होंने फिर दुस्साहस दिखाने की कोशिश की तो सेना इसी तरह उनके ठिकाने में घुस कर मारेगी। कश्मीर से अशरफानी के साथ आज तक ब्यूरो। तबलीगी जमात का मुखिया मौलाना साद अब सरकारी अस्पताल में कोरोना टेस्ट कराने के लिए तैयार हो गया है। वो क्राइम ब्रांच के नोटिस का जवाब भी दे रहा है, लेकिन दिल्ली में कोरोना बांटने वाला मरकज का मौलाना अब भी पुलिस से आंख मिचौली का खेल खेल रहा है। कोरोना काल में ये मरकज संकट का अड्डा तो बहुत पहले बन गया था, अब पुलिस वालों पर भी इसका खतरा मंडराने लगा है। जान पर खेलकर क्राइम ब्रांच की टीम ने मरकज से जमातियों को क्वारंटीन सेंटर और अस्पतालों में पहुंचाया था, लेकिन उन जमातियों के मुखिया मौलाना साद को इसकी कहां फिक्र है। वो सिर्फ और सिर्फ छिपकर तमाशा देख रहा है, झूठ पर झूठ बोल रहा है। वकीलों की फौज खड़ी करने वाला साद अब सामने नहीं आता। या तो ऑडियो संदेश जारी करता है या फिर उन्हीं वकीलों के जरिए दांव पेंच चल रहा है, अपना संदेश जमातियों तक पहुंचाता रहा है। कुछ लोग अभी भी क्वारंटाइन में है, तो ऐसे लोगों की कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा यानी खून डोनेट करना इसकी ज़रूरत है। लिहाजा ऐसे तमाम हजरात से दरख्वास्त हैं कि जिनको भी हमारा ये पैगाम वसूल हो, वो सारी इंसानियत पर तरस और रहम खाकर अल्लाह की रजा के लिए इंसानियत के काम आएं और प्लाज्मा खून डोनेट करने के लिए हुकूमत की मदद करें। मौलाना साद के उसी ऑडियो संदेश के बाद कई जगहों पर जमातियों ने प्लाज्मा डोनेशन भी किया। दिल्ली मुंबई समेत कई शहरों में जमाती प्लाज्मा डोनेट करते नजर आए, लेकिन साद ने अपना कोरोना टेस्ट कराया या नहीं अब तक ये राज ही है। वैसे तो उसने कोरोना टेस्ट कराने का दावा बहुत पहले ही किया है, लेकिन जब जांच रिपोर्ट सौंपने की बारी आई तो उसकी दलील हर बार झूठी साबित हो गई। अब मौलाना साद नया दांव चला है। सूत्रों के हवाले से जानकारी है कि वो सरकारी अस्पताल में अपना कोरोना टेस्ट कराएगा और उसकी रिपोर्ट दिल्ली क्राइम ब्रांच को सौंपेगा। वकीलों के मुताबिक साद ने पहले प्राइवेट लैब की रिपोर्ट क्राइम ब्रांच को सौंपी थी। एक के बाद एक 4 नोटिसों के बावजूद भी मौलाना साद न तो अब तक क्राइम ब्रांच के सामने पेश हुआ है, न ही क्राइम ब्रांच के किसी सवाल का ठीक ठीक जवाब दे रहा है। कोरोना की आड़ में मौलाना साद लगातार क्राइम ब्रांच के सवालों से बचता फिर रहा है। क्राइम ब्रांच ने कहा था कि वो सरकारी अस्पताल से अपना टेस्ट कराए और रिपोर्ट की कॉपी क्राइम ब्रांच को सौंपी जाए। मौलाना साद चाहे जब तक भागता रहे, लेकिन वो इस सच से नहीं भाग सकता कि जमातियों की वजह से देश भर में कोरोना संकट गहराया। मरकज संकट नहीं हुआ होता तो
को लॉकडाउन 1.0 की कामयाबी आंकड़ों में दिखती। दिल्ली के सीएम केजरीवाल भी मानते हैं कि मरकज के मामले ने मुश्किल बढ़ा दी। किसी भी एक व्यक्ति विशेष के ऊपर या किसी भी एक उसके ऊपर वो एक इंसिडेंट था जिसकी वजह से जिसमें ज्यादा लोग संक्रमित हुए, लेकिन किसी भी एक कारण को ये देना जब पूरी दुनिया के अंदर हम देख रहे हैं कितनी बुरी तरह से कोरोना फैला हुआ है। अभी दिल्ली का कोरोना ग्राफ 4000 के पार जा चुका है। 60 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। इसमें बड़ी संख्या उन जमातियों की है जो मरकज से निकाले गए थे। पुनीत शर्मा और चिराग गोठी के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।